So friends, today we are going to see textbook question number 6, not for profit concern. तो देखिए आपके स्क्रीन पे जो लेफ्ट में आपको टेक्सटबुक का क्वेश्चन नंबर 6 है वो दिख रहा है. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020, और हमें इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बनाना है. बट बिफोर दैट मैं कुछ बच्चों का ये डाउट है, इसलिए ये उनको बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अपलोड किए, उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 8 अपलोड किया, 7 किया, और अभी मैं 6 कर रहा हूँ. तो बच्चों इसके पीछे एक रीज़न है. मैं पहले जो सिंपल प्रॉब्लम है, जो बेसिक प्रॉब्लम है, वो पहले मैंने एक्सप्लेन किए, देन वन बाय वन ईजी प्रॉब्लम से मैं डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम की तरफ जा रहा हूँ. तो आज का प्रॉब्लम देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. देखो, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मार्क इज़ गिवन इन एडजस्टमेंट. और जो आज ये सिर्फ ये वीडियो देख रहा है उनको मैं पहले सजेस्ट करना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के जितने वीडियो अपलोड किए हैं वो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 देखने के बाद ही आप ये वीडियो देखिए, तो ही आपको आज का ये लेक्चर समझ में आएगा. जो डायरेक्टली ये प्रॉब्लम देखने जाएगा उसको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, बिकॉज मैंने इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं जो इसे पहले वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किए हैं. तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जाते हैं तो हम सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि जो भी पिछले साल से रिलेटेड है, जैसे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज़ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिस ईयर, इट मीन्स इट इज़ अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर. लास्ट ईयर से रिलेटेड कुछ भी रिसिप्ट और पेमेंट में आपको दिया है तो आपको उसे पहले कट करना है, क्योंकि उसका हम पोस्टिंग नहीं करने वाले, उसका कोई भी इफेक्ट आपके इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में नहीं आता. देन सेकेंड स्टेप मैंने सीखा के रखा है कि सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है. पेमेंट में आपको अगर कोई असेट दिख रहा है तो सबसे पहले उसके सामने ए लिख दो, या आप उसको एक ऐसा मार्किंग कर दो कि वो असेट है, सो दैट आपको ये समझ में आ जाए कि उसका पोस्टिंग बैलेंस शीट में होना चाहिए. तो मुझे पेमेंट साइड में सबसे पहला असेट दिख रहा है इक्विपमेंट, तो मैंने उसके सामने असेट लिख दिया. देन मुझे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, राइट, ये दोनों भी, द वन इज़ कैश इन हैंड, अदर इज़ कैश एट बैंक है, वो कैश इन हैंड हो गया है, ये दोनों भी असेट हैं. तो ये आपका सेकेंड स्टेप होना चाहिए कि पेमेंट में जो भी असेट दिया है उस असेट को आपको टिक मार्क करना है. इसका मतलब ये तीन असेट छोड़ के पेमेंट में जो भी रिमेनिंग है वो सब एक्सपेंडिचर है, तो उनका पोस्टिंग हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर कॉलम में करेंगे. इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होता है कि वन बाय वन आपको एडजस्टमेंट रीड करना है, एंड अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट किस पे इफेक्ट करने वाली है उसको आपको टिक मार्क करना है, सो दैट जब आप पोस्टिंग करोगे तो उस अमाउंट को आप इनर कॉलम में लिखोगे. तो आपको सबसे पहला एडजस्टमेंट दिख रहा है सब्सक्रिप्शन ड्यू, तो मैं पहला टिक मार्क करूंगा सब्सक्रिप्शन को. सेकेंड एडजस्टमेंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन, लेकिन एक बार मैंने टिक मार्क कर दिया तो और टिक मार्क करने का जरूरत नहीं है. माय थर्ड एडजस्टमेंट इज अबाउट स्टॉक ऑफ मेडिसिन, और मुझे देखो ऊपर पेमेंट साइड में परचेस ऑफ मेडिसिन दिख रहा है, सो मैं मेडिसिन परचेस को टिक मार्क करूंगा. माय नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज अबाउट इक्विपमेंट, एंड आई एम ऑल्सो एबल टू सी द इक्विपमेंट इन अ पेमेंट कॉलम, सो आई एम गोइंग टू टिक मार्क टू इक्विपमेंट. देन माई नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज अबाउट बिल्डिंग, बट बिल्डिंग इज नॉट गिवन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट, देन टिक मार्क तो करना है. तो आपके रिसिप्ट और पेमेंट में बिल्डिंग नहीं है, लेकिन आपके पर्टिकुलर्स में बिल्डिंग है, उधर टिक मार्क कर दो, क्योंकि जब पोस्टिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पर एडजस्टमेंट होने की वजह से ये मुझे इनर कॉलम में लिखना है. एंड माई लास्ट एडजस्टमेंट इज अबाउट 10% इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी ऊपर मेरा रिसिप्ट और पेमेंट में नहीं है बट नीचे एडजस्टमेंट में है, मैं उधर टिक मार्क करूँगा. तो इस तरह देखिए, जब भी आप कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का सम सॉल्व करने लोगे तो ये बेसिक चीज़ें आपको हमेशा फॉलो करनी है. नंबर वन, वॉट एवर गिवन इन योर रिसिप्ट एंड पेमेंट विच इज़ रिलेटेड टू लास्ट ईयर, जस्ट कट इट, वो आपको नहीं लेना है. सेकेंड स्टेप, सी केयरफुली इज देयर एनीथिंग गिवन इन योर पेमेंट साइड विच इज़ योर प्रॉपर्टी और असेट, सो उसके आगे ए लिख दो या उसे एक पर्टिकुलर अपना मार्क दे दो कि ये असेट है तो ये बैलेंस शीट में जाएगा. तो एक बार वो असेट को आपने मार्क कर दिया तो इसके अलावा जो भी आपको पेमेंट में दिख रहा है वो सब आपका एक्सपेंडिचर हो गया. एंड देन स्टेप नंबर 3, कि आपको वन बाय वन एडजस्टमेंट रीड करना है और देन अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट आपको ऊपर रिसिप्ट और पेमेंट में या एडजस्टमेंट में
वो जो भी आपका एलिमेंट है जिसपे आगे चेंजेस होने वाला है उसको टिक मार्क करना है। Now after the completion of tick mark of all the adjustment, I am going to prepare income and expenditure account as on 31st March 2020 and balance sheet as on 31st March 2020. एक complete problem है, ये भी एक complete problem को solve करने वाले हैं, तो दोनों मैंने income and expenditure account भी बना दिया और balance sheet भी बना दी। अब हमेशा मैंने और एक आपको हर account में जो सिखा रहा हूँ उसमें मैं आपको एक शुरुआत बता रहा हूँ कि ये अकाउंट सॉल्व करते समय शुरुआत आपको इसी तरह से करना है। तो जैसे जब भी आप नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का पोस्टिंग करना चालू करोगे तो हमेशा ये पोस्टिंग आप रिसिप्ट साइड से चालू करो। तो देखो रिसिप्ट साइड में मुझे सबसे पहले दिख रहा है सब्सक्रिप्शन, ये सब मेरा रिसिप्ट मतलब आने वाला पैसा है। तो इन सब का पोस्टिंग मैं इनकम में करने वाला हूँ। जिस पे टिक मार्क है उसे मैं इनर कॉलम में लिखूंगा, जिसमें टिक मार्क नहीं है मैं उसे आउटर कॉलम में लिख दूंगा। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम क्योंकि उस पर टिक मार्क है 52,000, then donation, nothing is given about donation, so it will be income column, outer column, outer side, then interest on investment, outer column, 10,000, and proceeds from charity, ये भी आपका outer column में जाएगा because उन पर कोई adjustment नहीं है। Now moving to payment side में आपको जो जिस order में दिख रहा है उस order में आप लोग टिक मार्क करेंगे, हमने उनको टिक मार्क किया है जिसपे एडजस्टमेंट नहीं है और ये भी लिख दिया है कि कौन सा एसेट है और क्या क्या एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो सबसे पहले है मटेरियल परचेस, देखो मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ 41,000, देन आगे जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी, स्टेशनरी एक्सपेंसेस फॉर चैरिटी और सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, किसी को टिक मार्क नहीं है तो इन सबको मैं एक्सपेंडिचर कॉलम में सीधा आउटर कॉलम में लिख दूंगा। सो वन बाय वन जनरल एक्सपेंसेस, सैलरीज, एक्सपेंसेस फॉर चैरिटी एंड सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस। अब इसके बाद देखो इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट के सामने हमने पहले लिख दिया ये असेट है तो असेट में पोस्टिंग करेंगे, टिक मार्क है तो इनर कॉलम में करेंगे। देन आपको पता है बैलेंस है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है, वो एक्चुअली दोनों का टोटल हो रहा है 13,960, कैश में सीधा असेट में लिख दूंगा। सो इस तरह मेरा रिसिप्ट और पेमेंट का जितना भी पोस्टिंग था वो खत्म हो गया। नाउ वन बाय वन आई एम गोइंग टू पोस्ट द एडजस्टमेंट, लेकिन बता दूं मैं आज का जो एडजस्टमेंट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो प्लीज़ ये जो मैं बता रहा हूँ हर एक सेंटेंस पे थोड़ा ध्यान से हर एक सेंटेंस सुनो और उसे समझने का कोशिश करो। बिफोर दैट आज मैं आपको एक नया रूल बताने वाला हूँ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का, जो इस प्रॉब्लम के लिए बताना बहुत ज़रूरी है। देखो आपके नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें आपको दिख रहा है सब्सक्रिप्शन ड्यू, तो ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। देखो आउटस्टैंडिंग के अलग अलग दो तीन नाम हैं, आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, एक्रूअल है, देन पेएबल है, ओके ये सब आउटस्टैंडिंग के कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। अभी तक हमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो अच्छी तरह पता चल गया इतने प्रॉब्लम देखने के बाद, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो हम लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में ऐड करते हैं और सेकेंड एंट्री असेट में करते हैं, इसके बारे में नो डाउट। मैं बात कर रहा हूँ जो 350 आपको सब्सक्रिप्शन ड्यू दिया है नीचे करंट ईयर का, मैं करंट ईयर क्यों बोल रहा हूँ, देखो ईयर एंडिंग है 31st मार्च 2020 का, तो 350 के बारे में तो आपको कोई डाउट नहीं है। उसका पोस्टिंग मैंने जैसे इससे पहले वाले प्रॉब्लम में बताया उसी तरह करना है आपको, पहले उसे सब्सक्रिप्शन में ऐड करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर सब्सक्रिप्शन 350 और सेकेंड एंट्री इसका असेट में जाएगा, क्योंकि हमें किसी से तो पैसा आना बाकी है, हमारे कुछ मेंबर्स हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया है तो वो उनसे हमें पैसा आना बाकी है, तो ये हमारे लिए असेट हो गया, इसके लिए इसका सेकेंड एंट्री असेट में जाएगा 350। ये एंट्री इससे पहले मैं दो तीन प्रॉब्लम में एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो इसके बारे में डेफिनेटली आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे इससे पहले जो प्रॉब्लम मैंने एक्सप्लेन किया है 7 प्रॉब्लम वो देखे होंगे। नाउ आज का इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग
बट गिवन लास्ट ईयर, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है लेकिन लास्ट ईयर का है। तो आप बोलोगे सर अभी आपने पहले ही बता दिया लास्ट ईयर का कुछ नहीं लेना है। देखो लास्ट ईयर का कुछ नहीं लेना है अगर वो रिसिप्ट और पेमेंट में दिया होगा। एनीथिंग गिवन इन अ रिसिप्ट एंड पेमेंट रिलेटेड टू लास्ट ईयर, नो डाउट कि आपको उसका किधर भी पोस्टिंग नहीं करना है। बट एडजस्टमेंट में लास्ट ईयर का कुछ भी दिया है तो आपको उसका पोस्टिंग करना पड़ेगा। लेकिन इधर भी एक रूल है, नॉर्मली हम एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट करते हैं। बट अगर एडजस्टमेंट में पिछले साल का कुछ दिया रहेगा तो हम उसके दो इफेक्ट नहीं करेंगे, एक ही इफेक्ट करेंगे, बिकॉज वो लास्ट ईयर का है। करंट ईयर का तो मैंने देखो अभी दो इफेक्ट किया, 350 को मैंने दो जगह पोस्टिंग किया है। सो वॉट एवर रिलेटेड टू करंट ईयर नो डाउट हम उसका दो पोस्टिंग करेंगे, बट एनी थिंग रिलेटेड टू लास्ट ईयर गिवन इन अ रिसिप्ट एंड पेमेंट नो डाउट मत लो, बट गिवन इन अ एडजस्टमेंट दो पोस्टिंग मत करो, बट एक पोस्टिंग करना जरूरी है। अब वो भी कैसे करना है समझ लो। नॉर्मली आपको पता है आउटस्टैंडिंग हम कभी भी प्लस करते हैं, आउटस्टैंडिंग फिर वो एक्सपेंसेस होने दो या वो इनकम होने दो, हम हमेशा वो जिसके बारे में उसमें प्लस करते हैं। इधर भी ट्विस्ट है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का रहेगा तो आप प्लस करोगे, लेकिन लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो आप उसे माइनस करोगे। तो देखो लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस के बारे में या इनकम के बारे में आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, एनीथिंग रिलेटेड टू लास्ट ईयर गिवन इन एडजस्टमेंट उसका एक ही इफेक्ट होगा। एंड नंबर टू, जो आप करंट ईयर के साथ करते हो लास्ट ईयर के साथ उसको एग्जैक्टली ऑपोजिट करना है, मतलब करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हम प्लस करते हैं तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग हम माइनस करेंगे। यही आज का प्रॉब्लम में समझने वाली बात है। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वापस एक बार समझ लो। नंबर वन, एनीथिंग रिलेटेड टू लास्ट ईयर गिवन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट डोंट पोस्ट एनीवेयर, ये पहले क्लियर हो गया। नाउ एनीथिंग गिवन इन एडजस्टमेंट रिलेटेड टू लास्ट ईयर पोस्ट ओनली वंस, एक ही बार पोस्टिंग करो, ये रूल नंबर टू हो गया। एंड रूल नंबर थ्री, इफ लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग इज गिवन, तो नॉर्मली आउटस्टैंडिंग हम प्लस करते हैं लेकिन आप वो लास्ट ईयर का होने के वजह से आप माइनस करोगे। तो बस लास्ट ईयर के बारे में दो बातें याद रखनी है, लास्ट ईयर का कुछ भी आपको एडजस्टमेंट में दिया है तो दो चीज़ें याद रखनी है। नंबर वन, एक तो उसका एक ही पोस्टिंग होगा, और नंबर टू, जो आप करंट ईयर के साथ करते हो लास्ट ईयर के साथ एग्जैक्टली ऑपोजिट करोगे, मतलब अगर वो आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हम प्लस करते हैं, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस करोगे। ऐसे ही प्रीपेड का भी समझ लो, करंट ईयर प्रीपेड हम माइनस करते हैं लेकिन लास्ट ईयर प्रीपेड रहेगा प्लस करेंगे, वो तो आगे बताने वाला हूँ मैं। पहले अब मैं बात कर रहा हूँ सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑफ लास्ट ईयर, दैट इज 310। तो देखो मैं 310 का पोस्टिंग करने जा रहा हूँ, मैं एक ही पोस्टिंग करने वाला हूँ। आई नो दैट कि वो ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, नॉर्मली आउटस्टैंडिंग प्लस होता है लेकिन मैं अभी करने जा रहा हूँ माइनस। सो लेस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग गिवन इन एडजस्टमेंट माइनस करना है। ओके देखो एक ही पोस्टिंग, नो अदर पोस्टिंग, और मैंने अलग कलर से लिखा है क्योंकि आज आपको यही दो तीन बार देखना है। ये जो मैंने कुछ दो, मैं जानबूझ के वो है एक ही चीज़ चार चार बार बता रहा हूँ क्योंकि वो समझ में आ गई तो आपको एनपीओ पूरा समझ में आ गया। समझो आज का प्रॉब्लम जिसको समझ में आ गया उसको 80% कॉन्फिडेंस आ जाएगा एनपीओ के बारे में, नॉट प्रॉफिट कंसर्न के बारे में। ओके अब ऐसे चलो देखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अभी आपको ये 12th में हो तो एडवांस का मतलब तो पता चला होगा, एडवांस मतलब प्रीपेड, तो ये प्रीपेड नहीं है, ये प्री रिसीव्ड है। ओके तो अब जो करंट ईयर का है वो तो आपको मालूम है, जो भी प्री वर्ड आया तो हम माइनस करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ 150 रुपीज़ के बारे में, 31 मार्च 2020 का प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन है। प्री रिसीव्ड प्री वर्ड आने की वजह से पहले तो माइनस कर दूंगा। सो प्री करंट ईयर
सब्सक्रिप्शन है, प्री रिसीव्ड है, माइनस किया, क्योंकि आपको पता है आउटस्टैंडिंग हम प्लस करते हैं, प्रीपेड हम माइनस करते हैं। इस रूल के हिसाब से प्रीपेड मैंने माइनस कर दिया, सो प्रीपेड नहीं सॉरी प्री रिसीव्ड मैंने माइनस कर दिया। सेकेंड इफेक्ट, अब आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट असेट में गया था, तो प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में जाएगा। इस फॉर्मूला वाइज समझ लो, लेकिन अगर आपको टेक्निकली समझना है तो वो भी समझ लो। प्री रिसीव मीन्स वॉट, आपके किसी मेंबर ने आपको फ्यूचर का मेंबरशिप पैसा दे के रखा है, फ्यूचर का सब्सक्रिप्शन दे के रखा है। अब वो किसी ने आपको फ्यूचर का पैसा दे के रखा है तो आपके लिए कर्जा है, वो तब तक कर्जा है जब तक वो फ्यूचर का डेट नहीं आता, क्योंकि कल को वो आगे आपको बोल सकता है मेरा पैसा वापस दे दो, जब वो डेट आएगा मैं पे करूँगा, तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है। इसलिए इसका सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में जाएगा, प्रीपेड हो गया उधर, दैट इज प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन, ओके, दैट इज 150। तो देखो दो इफेक्ट किया, करंट ईयर के बारे में जो भी एडजस्टमेंट में आएगा मिनिमम दो इफेक्ट देना है, उसके बारे में तो डाउट ही नहीं है। अगेन नाउ अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर, लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन गिवन इन एडजस्टमेंट। एक तो ये लास्ट ईयर का है तो एक ही पोस्टिंग होगा, ये तो कन्फर्म हो गया। नॉर्मली प्रीपेड प्री रिसीव हम माइनस करते हैं, लेकिन क्योंकि ये लास्ट ईयर का है तो आप उसे प्लस करोगे और एक ही इफेक्ट दोगे। तो देखो एड प्री लास्ट, मतलब ये प्री रिसीव है और लास्ट ईयर का है तो मैंने उसे ऐड किया। इस तरह 52,000 में ऐड 350, लेस 310, लेस 150 एंड ऐड 600 करने के बाद मेरा टोटल आएगा 52,490। आप कैलसी लेके क्रॉस चेक कर सकते हो। सो बिफोर मूविंग अहेड, मैं ये दो रूल वापस एक बार एक सिंपल स्लो लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ, समझने का कोशिश करो। सी, मैं करंट ईयर के बारे में तो कुछ नहीं बता रहा हूँ, करंट ईयर आपको ऑलरेडी पता है। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन इन एडजस्टमेंट, हम उसे इनकम में सब्सक्रिप्शन के नीचे ऐड करते हैं, सेकेंड एंट्री असेट में करते हैं। वैसे करंट ईयर प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन गिवन इन एडजस्टमेंट, हम उसे इनकम में सब्सक्रिप्शन में से माइनस करते हैं, सेकेंड एंट्री हम लाइबिलिटी में करते हैं। तो ये तो हमारा नॉर्मल प्रैक्टिस है। आज के लेक्चर में समझने वाली चीज़ ये है, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन इन एडजस्टमेंट, तो आउटस्टैंडिंग होने के बावजूद आप उसे माइनस करोगे बस, और एक ही इफेक्ट दोगे। यस, ये सिंपल वर्ड में बता दिया मैंने। उसी तरह लास्ट ईयर प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन गिवन इन एडजस्टमेंट, प्री रिसीव होने के बावजूद, प्री वर्ड आने के बावजूद आप उसे माइनस नहीं करोगे, प्लस करोगे और एक ही इफेक्ट दोगे बस। ये जो मैंने लाइन बता दिया आज के लेक्चर में, यही पार्ट आपको समझने वाला पार्ट था। ओके, नाउ मेडिसिन पे आ जाओ, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। अगेन ये हमारा इससे पहले लेक्चर में भी हुआ है, लेकिन वापस एक बार समझ लो। देखो, इस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के पास जब इन्होंने साल चालू किया तब इनके पास मेडिसिन कितने का था, 8,000 का मेडिसिन था, 8,000 इनका ओपनिंग था। जब ये मेडिसिन है, मतलब सपोज ये हॉस्पिटल है या क्लिनिक है या कोई डिस्पेंसरी है, ओके, शुरुआत में, साल के शुरुआत में इनके पास 8,000 का मेडिसिन था। फिर पेमेंट में अगेन परचेस ऑफ मेडिसिन, मतलब इन्होंने और मेडिसिन परचेस किया, क्योंकि 8,000 से उनका साल पूरा, साल में वो पूरा नहीं पड़ने वाला था, इसके लिए उन्होंने और 41,000 का परचेस किया। सो 8,000 प्लस 41, टोटल इनके पास मेडिसिन हो गया 49,000 का। लेकिन देखो, साल के अंत में 11,000 का मेडिसिन बचा है। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, सेकेंड कॉलम में देखो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 11,000, इसका मतलब ये बचा हुआ मेडिसिन है। तो अभी आप ही समझ लो, एक सिंपल एग्जांपल ले लो। सपोज आपके पास साल के शुरुआत में 8,000 का मेडिसिन था, फिर आपने और 41,000 का लिया, तो टोटल आपके पास 49,000 का मेडिसिन हो गया। लेकिन साल ख़त्म होने के बाद आपके पास 11,000 का बचा, तो अगर कोई आपको पूछे आपने साल भर में कितना मेडिसिन यूज़ किया, कितना मेडिसिन स्पेंड किया, तो आप क्या करोगे, 49,000 में से वो बचा हुआ 11,000 माइनस करोगे ना, क्योंकि आपको ये निकालना है ना कि आपने यूज़ कितना किया।
सो 49,000 में से मैं अगर 11,000 माइनस करूँ तब मुझे पता चलेगा कि 38,000 का मेडिसिन इस ऑर्गेनाइजेशन ने साल भर में यूज़ किया है। बस वही मैं भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले साल के शुरुआत का मेडिसिन 8,000 मैंने लिखा एक्सपेंडिचर में, टू मेडिसिन 8,000, एड परचेज तो हमने पहले से ही पोस्टिंग करके रखा है। सो 8,000 प्लस 41, 49 का मेडिसिन हो गया, लेकिन साल में 11 का बचा। देखो ये एक्सपेंडिचर कॉलम है, एक्सपेंडिचर कॉलम में आपको ये निकालना होता है कि आपने यूज़ कितना किया, इसलिए बचा हुआ 11,000 मैं माइनस कर रहा हूँ। वापस सुन लो, साल के शुरुआत में आपके पास 8,000 का मेडिसिन था, फिर आपने और 41 का लिया, आपके पास टोटल मेडिसिन हो गया 49 का। 49,000 में से साल के एंड में 11,000 का मेडिसिन आपके पास बच गया, तो इसका मतलब आपने यूज़ कितना किया, आपने यूज़ किया टोटल 38,000 का मेडिसिन। ये 38,000 का मेडिसिन आपने यूज़ किया है, समझ में आया। तो ये मैंने रूल, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया था कि व्हाट इज़ द रूल ऑफ दिस स्टेशनरी और अ मेडिसिन, ओपनिंग एड परचेस लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ओके, मतलब देखो ओपनिंग में 8,000 का था, 41 का और लिया, टोटल 49 हो गया, लास्ट में जो बचा है वो माइनस करना है 11, तब पता चलेगा कि 38,000 का यूज हो गया। अब इसका सेकेंड एंट्री जाएगा ना, क्लोजिंग स्टॉक तो आपको मन में एसेट में जाता है, तो देखो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री मैंने एसेट में कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 11,000। तो ये भी हमारा एडजस्टमेंट खत्म हो गया। ये एडजस्टमेंट भी, इसलिए मैं जो आज सिर्फ ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप लोग इससे पहले जितने वीडियो है वो भी देखो, तो ये एडजस्टमेंट भी आपको समझ में आ जाएगा। नाउ बिल्डिंग है आपके पास, सॉरी एस्टिमेट वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट भी देखो, आपके साल के शुरुआत में आपके पास 15,000 का इक्विपमेंट था। सेम अभी इक्विपमेंट होने की वजह से ये सब पोस्टिंग मैं एक्सपेंडिचर में नहीं करूँगा, इक्विपमेंट असेट है, तो अब जो मैंने किया वही मैं करने वाला हूँ, लेकिन ये सब मैं असेट में करने वाला हूँ क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। इसके पहले मैंने सब एक्सपेंडिचर में क्यों किया, मेडिसिन हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, इसके लिए पोस्टिंग सब एक्सपेंडिचर में किया, बट इक्विपमेंट हमारे लिए असेट है। तो अगेन वही कर रहा हूँ मैं, जब जो मैंने आपको रूल बताया ओपनिंग एड परचेस। ओके, पहले वो कर लेते हैं। तो देखो इक्विपमेंट 15,000 का था, एड परचेस 10,000 का आपने और परचेस किया, तो आपके पास टोटल इक्विपमेंट हो गया 25,000 का। नीचे डेप्रिसिएशन दिया है, देखो इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस होता है, माइनस कर रहा हूँ मैं 1,009। मैं बॉक्स के नीचे जो लास्ट एडजस्टमेंट है वो बता रहा हूँ, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट 1,900, इसमें से मैंने माइनस किया, देन आउटर में मेरा इक्विपमेंट का वैल्यू आ गया 23,100। और डेप्रिसिएशन आपको पता है, डेप्रिसिएशन का एंट्री एक्सपेंडिचर में होता है, लेकिन बिल्डिंग पे भी डेप्रिसिएशन है, पहले वो भी कर लेता हूँ, फिर दोनों डेप्रिसिएशन में एक साथ लिख दूंगा। बिल्डिंग देखो आपके पास 40,000 का बिल्डिंग है, ओके, और आपने उसमें डेप्रिसिएशन बोला इन्होंने 1,500, सो आउटर में आ जाएगा 38,500। ओके, सो इस तरह ये दोनों डेप्रिसिएशन कंबाइन करके, मतलब 1,500 क्योंकि इधर मेरे पास प्लेस का शॉर्टेज है, सो 1,500 बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन और इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन 1,900, इन दोनों का डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। सो एक्सपेंडिचर में लिख रहा हूँ मैं टू डेप्रिसिएशन 1,500 प्लस 1,900 3,400। तो ये भी हो गया मेरा बिल्डिंग का। अब कैपिटल फंड देखो, कैपिटल फंड लास्ट ईयर का है, सो इट इज़ कैपिटल फंड, इट इज़ अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिस ईयर, तो अगेन ये लास्ट ईयर से रिलेटेड है, तो एडजस्टमेंट में है तो भी मैं एक ही पोस्टिंग करूँगा, कैपिटल फंड 1,70,940 एंड 10% इन्वेस्टमेंट। हाँ, अब ये भी बहुत बच्चों को कन्फ्यूज करने वाला एडजस्टमेंट है। देखो 10% इन्वेस्टमेंट 1,00,000 दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है, इसका मतलब आपने किधर तो बैंक में या किसी कंपनी में 1,00,000 इन्वेस्ट किया है, और इन्वेस्ट करते समय उन्होंने आपको कमिट किया है कि उन लोग आपको उस इन्वेस्टमेंट पे 10% रिटर्न देंगे। सो 1,00,000 का 10% क्या हो गया, 10,000, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1,00,000 प्लस 10,000 1,10,000 होना चाहिए। ओके, उनसे आपको 10,000 का रिटर्न मिलेगा ना, लेकिन देखो ऑलरेडी आपको 10,000 का इंटरेस्ट मिल चुका है। पहले मैं इन्वेस्टमेंट का पोस्टिंग कर लेता हूँ, देखो इन्वेस्टमेंट 1,00,000 सीधा मैंने आउटर में लिख दिया। ओके, क्वेश्चन मार्क दिया तो भी मैंने 1,00,000 लिखा, ये कन्फ्यूज करने के लिए एडजस्टमेंट दिया आपको। सब बच्चों को लगेगा अरे 1,00,000 है
फिर इस पे 10% निकालना चाहिए, फिर 10,000 ऐड करके आउटर में 1,10,000 आना चाहिए। आता बच्चा, वो अगर वो इंटरेस्ट नहीं मिला होता, इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी मिल चुका है, देखो आपके इनकम में, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ समझने के लिए, मिल गया ना आपको इनकम में, आपको ऑलरेडी 10,000 मिल चुका है या आपके रिसिप्ट में दिया है, तो 10,000 मिल गया। हाँ, नहीं मिलता तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,10,000 होती, फिर मैं 10 ऐड करके बाहर 1,10,000 लिखता। बट आपका जो 10 लाख का, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, उस पर इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी मिला है, आपके इनकम में आपने लिख दिया है वो। सो इनकम में आ गया ना 10,000। दोनों दोनों कैसे होगा, इनकम में भी लिखोगे, इन्वेस्टमेंट में भी प्लस करोगे, इसका मतलब 20,000 मिला है आपको। अगर इस क्वेश्चन में ये 10,000 रिसिप्ट में नहीं दिया होता, तो मैं इसका दो इफेक्ट दिखाता। मैं इन्वेस्टमेंट में 10,000 प्लस करता, और उसका सेकेंड इफेक्ट मैं इनकम में दिखाता। लेकिन ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में बोला है कि रिसिप्ट में 10,000 है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो 10,000 आपको जो मिला है वो इनकम, वो आपने इनकम में पोस्टिंग कर दी है 10,000। इसलिए हम नीचे एडजस्ट में, असेट में, उस 10,000 को ऐड नहीं करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन मार्क सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, यही बता रहा था मैं, और इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लेट लिया है। ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी है। सो अब जितने एडजस्टमेंट थे, सब एडजस्टमेंट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसमें देखने वाले दो तीन एडजस्टमेंट हैं, वो अच्छी तरह समझ लो। नंबर वन, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। नंबर टू, लास्ट ईयर प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन। एंड नंबर थ्री, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी गिवन इन इन योर रिसिप्ट कॉलम एंड टोटल इंटरेस्ट दिया है। ऐसे भी नहीं कि 10,000 मिलने और उधर 5,000 दिया हो, तो मैं रिमेनिंग 5 का एंट्री करता और मैं उस 5,000 को 1 लाख में प्लस कर देता। बट पूरा का पूरा 10,000 का 10% 10,000 ही होता है, 1 लाख का 10% 10,000 होता है, और पूरा 10,000 आपको मिल चुका है और वो रिसिप्ट में दिया है, तो मैं क्यों उसका सेकेंड एंट्री करूँ वापस? जो मिल चुका है 10,000, उसका हम पोस्टिंग क्यों करेंगे? तो ये इंपॉर्टेंट तीन बातें हैं इस आज के लेक्चर में देखने जैसी। अब हम इसे वन बाय वन क्लोज करते हैं। तो चलो, क्लोज करते समय मुझे एक्सपेंडिचर और इनकम में, इनकम साइड हेवी दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले इनकम का टोटल कर लेता हूँ। और देखिए, लास्ट में 50 एंड 30 है, मतलब 20 आएगा, और 100 कैरी हो गया। 5 + 5 = 10 + 5 = 15, लास्ट में 520 आएगा। और अगर मैं 1,000 फिगर की टोटल करूँ, तो इट विल बी 53 एंड 17, 70 + 80 एंड 8, 88,520। सेम 88,520 मैं डेबिट में लिखूंगा, और अगर आप मांगता है तो कैल से लेके देख लो। 88,520 में से ऊपर दिए हुए ये सब 38,000, 1,050, 23,500, 2,550, 4,200 एंड 3,400 में माइनस करूँ, देन आई विल गेट सरप्लस 15,820। आप बुक में क्रॉस चेक कर सकते हो, और ये सरप्लस है, मतलब प्रॉफिट है हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो कैपिटल फंड में प्लस होगा। एंड द टोटल विल बी 1,86,760। और इस 1,86,760 में प्रीपेड सब्सक्रिप्शन का 150 अगर मैं ऐड कर दूँ, माई टैली अमाउंट विल बी 1,86,910। अब असेट में बस लास्ट के तीन डिजिट देख लो, 910 अगर आता है, तो डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम टैली हो गया समझो। सो देखो, 500 + 1,600 + 350, 950 + 960। ओके, 950 + 960, तो देखो 900 1,800 हो गया, एंड 50 60 110 हो गया, तो ये हो रहा है 1,910। तो उसमें का 910 लास्ट में आ गया, लास्ट का 3 डिजिट, 1,000 कैरी हो गया। चलो 1,000 ऐड करते हैं, 38,000 + 1,39 + 3,42 + 20 62 + 1,00,000 + 1,00,062 + 11 1,73,000 and 1,73 + 13 1,86,910। तो इस तरह आपका टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 6 विथ डिफिकल्ट एडजस्टमेंट हमने आज टैली कर दिया। ओके, सो मेरे वीडियो जितने भी आ रहे हैं उसको आप देखो, आपके जो डाउट है वो मुझे आप बता दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड
जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको भी क्लासेस का फ़ी अफोर्ड नहीं होता है, जो घर में बैठ के पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो आप शेयर करो, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो। सो आने वाले जितने रिमेनिंग प्रॉब्लम है बुक में, नॉट ओनली बुक में, इसके बाद आपको जो बोर्ड में इससे पहले आए हुए प्रॉब्लम है वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जस्ट ट्राई टू शेयर दिस वीडियोज एज मेनी स्टूडेंट एज यू कैन, एंड हो सकता है उतना मुझे सब्सक्राइब करो। थैंक यू।